अच्छा जी, तो अब हम क्या करने लगे हैं, एक्सरसाइज 2.7 जो है वो उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। तो इसमें जो है हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन, इस जगह हमने लिखा सोल्यूशन, ठीक है। अब हम शुरू करने लगे हैं। अच्छा, अगर आप चाहो, अगर आप लिखो गिवन इक्वेशंस आर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे भी इक्वेशंस लिख दोगे फिर भी चलेगा, गिवन इक्वेशंस आर, ये इक्वेशन दोनों लिखते हैं। ये पहला लिखेंगे जी 3x-2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है x²+xy-y² इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो पहली इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और ये दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये दो इक्वेशन है, आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि जो है ना, आपने इसमें से एक्स की वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है। ये एक्स और वाई क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखें एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन लिखा था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब है इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करना है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि अगर हमारे पास फर्ज करो कि ऐसी इक्वेशन है, जैसे ये x²+2x+5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की पावर 2 है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि इसमें एक वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है, एक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन काफी होती है, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन काफी होती है। अगर दो वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। अब जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो फिर एक इक्वेशन काफी नहीं होती, फिर दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो एक वेरिएबल का मतलब है एक इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। दो वेरिएबल्स अगर हैं तो इसका मतलब है दो इक्वेशन चाहिए। अगर तीन वेरिएबल होते तो फिर मुझे तीन इक्वेशन चाहिए होती। तो अभी मैट्रिक में जो है आपके सिर्फ दो इक्वेशन वाला ही है, फर्स्ट ईयर में जाके फिर थर्ड जो है ना तीसरा वेरिएबल भी आ जाएगा, फिर एक्स वाई के साथ जेड भी आ जाएगा, और फिर आपको तीन इक्वेशंस भी देगा फर्स्ट ईयर में जो है ना चैप्टर में, वो मैट्रिसेस में, वहां जाके फिर आप देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ हम चलते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमारे पास अगर एक लीनियर, जब हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब है उसके अंदर एक्स और वाई की पावर 1 1 हो। ये देखें, ये इसकी डिग्री 1 है, इसमें इस एक्स के ऊपर पावर नहीं है तो 1 है, वाई के ऊपर पावर नहीं है तो 1 है। तो ये जो ये वाली इक्वेशन होती है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम दोबारा लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 को मैंने दोबारा लिया, मैंने लिखा जी 3x-2y इज इक्वल टू 1। अब मुझे यहाँ से जो है ना एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है, एक्स की या वाई की निकल, एक की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ रखनी है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा। तो क्यों इसकी, अगर फर्स्ट सपोज मैं एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ रखूंगा तो इसमें से एक्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ वाई वाई रह जाएगा। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो उसमें से वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी। जब वाई की दो वैल्यूज आएंगी, उनको फिर मैं यहाँ पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यूज भी आ जाएंगी। इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे ये लिखा है 3x-2y इज इक्वल टू 1। मुझे ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं वाई की वैल्यू जो है निकालूँ, एक्स की वैल्यू मुझे नहीं कोई जो है ना अच्छी लगती निकालना। मेरी ज्यादातर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जो है ना एक्स की वैल्यूज निकालूँ, और फिर एक्स की वैल्यूज को मैं जो है ना इक्वेशन में रख के वाई की वैल्यू मालूम करूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, वाई के साथ माइनस का निशान लगा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, ये 1 को जो है ना मैं इधर ले आया, और ये जो -2y था इसको वहां ले गया। जब ये -2y वहां जाएगा, +2y हो जाएगा, 1 यहाँ आएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये वहां +1 था, यहाँ के -1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, साइडें पलट के लिख दूंगा, साइडें बदल के लिख दूंगा, ये जो राइट हैंड साइड उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा 3x-1। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया कि ये जो 2 है, इस 2 को मैं नीचे ले आया, यहाँ 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चली जाती है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ डिवाइड में चला गया। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों, एक तो इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि इसकी मैं जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके मैं वाई की वैल्यूज निकाल लूंगा, वाई एक्स की वैल्यूज निकाल लूंगा। मैं वाई की वैल्यू रखूंगा ना, तो वाई की जगह मैं वाई की ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो वहाँ वाई खत्म हो जाएगा, वाई को मैंने वहां से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया वाई को। तो वो ये जो इक्वेशन बनेगी ना इक्वेशन 2, अभी ये सब की सब एक्स में बनेगी, देखिएगा जरा अभी। और दूसरा ये है कि फिर जब मुझे एक्स की वैल्यूज पता चल जाएंगी, एक्स की वैल्यूज मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे वाई की वैल्यूज मिलेंगी। तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं लिखता हूँ जी, पुट वैल्यू ऑफ वाई
इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में जो है ना मैंने वाई की वैल्यू रखनी है, तो इक्वेशन टू को मैंने यहाँ इस तरह लिख के मैं जो है ना ये ले आया, इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या थी जी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ जी, ये मैंने वाई की जगह, प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह भी मैंने यही वैल्यू रखनी है। इज इक्वल टू वन, ठीक है जी, ये मैंने वैल्यूज रख दी, मैंने वाई की जगह वाई की वैल्यूज रख दी। अब इस इक्वेशन में से वाई एलिमिनेट हो चुका है, मैंने वाई की जगह वाई की वैल्यू रखी, अब ये सब एक्स एक्स है। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, वो जो एक्स की दो वैल्यूज मेरे पास आएंगी ना, वो मैं बारी बारी यहाँ रखूंगा इक्वेशन नंबर थ्री में इस जगह, तो फिर मेरे पास वाई की वैल्यूज भी आ जाएंगी, तो काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखा जी एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या करूंगा, ये जो एक्स है जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे तो टू है, टू नीचे रहेगा, ये टू डिनोमिनेटर में, एक्स ऊपर, ये जो एक्स के नीचे कुछ नहीं होता तो वन होता है जो हम लिखते नहीं है, तो एक्स को जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ऊपर जो है मैंने फॉर्मूला खोलना है, नीचे जो है ये लिखा टू, और ऊपर जो है थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जब मैं खोलूंगा तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन, जो है वो बी ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये मैंने जो है ऊपर फॉर्मूला खोल दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस, इसको वैसे का वैसा रखूंगा, थ्री एक्स माइनस एक्स अपॉन टू माइनस, अब इसको सॉल्व करना है ना मैंने, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री सिक्स एक्स प्लस वन अपॉन टू, ये सॉल्व करने पे जो है आ गया, और आगे है इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन एज इट इज रहेगा। अब देखिए मैंने ना ये फ्रैक्शन फॉर्म में मेरी इक्वेशन आ गई है, फ्रैक्शन है, यहाँ पे टू अपॉन में टू है, यहाँ अपॉन में टू है, तो ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक मैंने मिस्टेक की है, आप लोगों ने देखा नहीं, जब मैंने ये स्क्वायर खोला था ना ये वाला, तो ऊपर वाले का स्क्वायर खोला, नीचे टू के ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा, तो नीचे यहाँ क्या आएगा, यहाँ टू नहीं आएगा। अच्छा हुआ फोर गलती, अच्छा हुआ गलती, टाइम पे पकड़ी गई, आप लोग तो सो रहे हो यार आप जो है ना। अच्छा ये फोर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी फोर आएगा, ये मैं जब एलसीएम लेने लगा तो मुझे ख्याल आया कि ये तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, कि ऊपर मेरे, मैंने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है तो मेरे जहन में था कि यहाँ फोर आता है। अच्छा अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को नॉर्मल करने के लिए, या तो हम एलसीएम लेंगे, वो जो है एक पूरी ऐसी लंबी लाइन लेके हम एलसीएम लेते हैं, या एक और तरीका ये है कि मैं कहूँ मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय जो भी, टू और फोर का एलसीएम क्या आएगा, सिक्स माशाल्लाह टू और फोर का एलसीएम जो है वो आता है फोर, कैसे? अच्छा मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, आपने टू और फोर का एलसीएम लेना था ना, आप मुझे बताओ टू और फोर दोनों, टू और फोर जो है ना दोनों जो है, दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है, कौन सा नंबर है इन दोनों में से, कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, टू फोर दोनों के टेबल में फोर आता है बड़ा नंबर? फोर देखें फोर टू जो है, सुने टू फोर जो है टू के टेबल में भी आता है और फोर अपने टेबल में आता है। हम जब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम ठीक है, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो, क्या कह रहा हूं मैं, ये देखें एलसीएम लेने का तरीका बताऊं, ये देखें देसी तरीका बताऊं, बेसिक तरीका, मैंने टू का टेबल लिखा टू फोर सिक्स एट टेन डॉट डॉट डॉट, अभी आगे चल रहा है। अच्छा फोर का मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फोर का, लिखा फोर का टेबल लिखूंगा फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, इस तरह आप लिख रहा हूँ। अब इन दोनों के टेबल में वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में है, वो कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में है, और छोटे से छोटा चाहिए, बड़ा नंबर नहीं चाहिए, ये फोर, ये एलसीएम है, ये एलसीएम है, फोर जो है वो। अच्छा अब अगर सपोज मैं कहता यार टू और थ्री है, अगर मैं कहता टू और थ्री है, टू और थ्री का मुझे एलसीएम मालूम करना है, अब मैं आपको देख बिल्कुल देखे ना, अब आप 10th क्लास में है माशाल्लाह, और मैं आपको एलसीएम मालूम करना सिखा रहा हूँ, हालांकि है तो अफसोस की बात, लेकिन ऐसे अफसोस जो है ना मैं अक्सर करता रहता हूँ, मेरे अफसोस करने से क्या होता है, लगाते हैं सर। टू का टेबल, टू का टेबल क्या है, टू फोर सिक्स एट, थ्री का टेबल क्या है टेन ट्वेल्व, और थ्री का टेबल क्या है, थ्री का टेबल है जनाब थ्री सिक्स
नाइन ट्वेल्व. सिक्स अब सबसे छोटा नंबर जो है ना, जो दोनों के टेबल में आता है, वो सिक्स है, तो टू और थ्री का जो है ना एलसीएम सिक्स आएगा. अच्छा, तो बहरहाल मैंने टू और फोर का एलसीएम लिया, फोर आया. मैंने कहा जी मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय फोर. क्यों किया? ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, अपॉन खत्म हो जाए. अच्छा, मैंने फोर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वैसे लिख दिया. फिर मैंने यहाँ फोर लिखा मल्टीप्लाई बाय, और ये जो है ना पूरा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू लिख दिया. फिर मैंने जी फोर से मल्टीप्लाई किया नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन अपॉन फोर लिख दिया, और इज इक्वल टू फोर को वन से मल्टीप्लाई किया, फोर लिख दिया, फोर वन सा फोर लिख दिया. ये दो जगहों पे, अब यहाँ मैं क्या फोर, चल मैं लिख देता हूँ यार फोर मल्टीप्लाई बाय वन, यहाँ पे भी मैं लिख देता फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन ये जो है ना ऐसे भी ठीक है. अब यहाँ देखिए, टू वन सर टू, टू टू ज़र फोर, फोर वन ज़र फोर, फोर वन ज़र फोर. अब मैं सॉल्व करूंगा, ये फोर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया प्लस, अब यहाँ पे जो ये टू है ना, ये जो कट के टू बचा है, ये टू जो है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, टू थ्री एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, टू एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा. तो टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर, और टू को एक्स से करेंगे टू टू एक्स माइनस. अब वन को इन दोनों, इन सब से करना है, लेकिन ये देखिए ये जहन में रखें, ये माइनस का निशान है. जब तो भी यहाँ माइनस से पे मल्टीप्लाई कर ये देंगे। माइनस से, जी माइनस वन से मल्टीप्लाई होंगे तो सबके साइन चेंज होंगे. अब वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस की वजह से सबके साइन चेंज होंगे, तो वो जो प्लस नाइन एक्स स्क्वायर था वो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स तो एक्स वो की प्लस जगह सिक्स प्लस सिक्स एक्स एक्स हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू फोर. ये जनाब हमारे पास लीनियर फॉर्म में एक एक लाइन में आ गई है इक्वेशन आपकी. अब क्या करें, फोर एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स स्क्वायर, ये मैंने किया टेन एक्स स्क्वायर, ये तो करीब करीब लिखे थे, मैंने कहा यार ये इनको सॉल्व कर लो. और माइनस नाइन एक्स स्क्वायर थोड़ा दूर लिखा था, इसको मैंने कहा चले अगले स्टेप पे कर लेते हैं. और माइनस टू एक्स और प्लस सिक्स एक्स, ये जो है ना प्लस फोर एक्स आ गया, और माइनस वन, और ये फोर जो है वो भी, इसको भी बुला लेंगे इधर के भाई जान, अभी इधर आ जाए, फोर को इधर बुला लेंगे. अच्छा, टेन एक्स स्क्वायर में से नाइन एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर, फोर एक्स तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, माइनस वन और माइनस फोर, -5 माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. अब जो है वो हमारे पास इस, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है हमने. कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन से करें, अदरवाइज जो है ना फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही है ना. ठीक है, जिन लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आती वो सीखें, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है कि आप फैक्टराइजेशन से करें. अच्छा कैलकुलेटर से हो जाती है। अच्छा एक मिनट सब्र करेंगे, ये क्या कितने परसेंट रहेगी, ये 10% रहेगी, ये लो भी चलें, अल्लाह करे ये क्वेश्चन हो जाए. अब ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया. तो अब फाइव के ऐसे फैक्टर बनाओ, इसका क्या मतलब है, फाइव के ऐसे फैक्टर बनाओ जिन्हें माइनस करने से फोर आए. तो भाई फाइव अंजा फाइव अंजर फाइव, फाइव में से वन निकाला फोर आता है ना. ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या सब बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस एक्स, फाइव नहीं होएगा फाइव और वन आएगा. सही। नहीं देखिए ना, आपके यहाँ पे फोर एक्स के साथ प्लस है ना, इसलिए प्लस आएगा फाइव एक्स के सर साथ. लेकिन 5 माइनस नहीं है। इस माइनस का मतलब ये है कि आपने फैक्टर्स को आपस में माइनस करना, इट मींस इन दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, जी लेकिन जी इन दोनों, सर लेकिन इन दोनों का जो आंसर है वो ये आना चाहिए ना, फोर एक्स. तो आप अगर जी सर अगर अगर आप समझ फाइव, अगर आप फाइव एक्स को माइनस रखोगे, अगर इस फाइव एक्स को माइनस रखोगे तो माइनस गया। ये फाइव एक्स माइनस प्लस एक्स, तो फिर तो सिक्स माइनस होता फोर, है। फिर तो माइनस फोर एक्स आएगा ना. ये साइन देखिए, इधर देखें जरा, अगर आपने लिखा माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, इसका आंसर तो माइनस फोर एक्स आएगा, हमें तो प्लस फोर एक्स चाहिए. जी सर तो ये जहन में रखें, एक बात जहन में रखें बेटा, कि ये वाला साइन जो होता है, ये साइन ये हमें बताता है कि हमने फैक्टर्स एक को, सेकंड दोबारा बताना, ये मैं क्या कह रहा फैक्टर्स हूँ, कैसे लिए। मैं बताता हूँ हमें असल में, ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये साइन बताता है कि हमने फैक्टर्स को प्लस करना है या माइनस करना है. ठीक है, चले मैं फिर आता हूँ, दोबारा वापस आता हूँ. यहाँ पे देखें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फाइव के ऐसे फैक्टर बनाओ जिन्हें माइनस करने पे प्लस फोर आए. क्या, फाइव के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिन्हें माइनस करने पे प्लस फोर आए, इसका ये मतलब है. अच्छा जी, मैंने कहा यार फाइव के फैक्टर्स बनाने, माइनस करके फोर लाने हैं, तो फाइव के फैक्टर बन ही नहीं सकते, और इसके अलावा फाइव वन फाइव ही बनते हैं. तो फाइव में से अगर मैं वन निकालूंगा तो क्या आएगा, फोर आएगा. अब जब हम साइन लगाते हैं तो बड़े के साथ ये वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन, सही है. तो बड़े के साथ में ये, बड़े के साथ प्लस लगाऊंगा, वन के साथ माइनस. अच्छा, जब भी हमने माइनस करना होता है साइन डिफरेंट होते हैं, और अगर यहाँ ये प्लस होता है तो इसका मतलब है हमने प्लस करना है, दोनों के साइन सेम होते हैं. तो ओवरऑल ये चले फैक्टराइजेशन का काम है. मुझे मेरे जो फैक्टर बने फाइव के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके फोर लाना था, वो ये बने फाइव और वन. तो फाइव में से वन निकाला, फोर आया. अब साइन किसके साथ प्लस है, किसके साथ माइनस, बड़े के साथ ये वाला साइन आता है, जो चीज मुझे लेकर आनी होती है.
तो मुझे प्लस 4x लेकर आना है, इसलिए बड़े के साथ प्लस आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक्स कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5। और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पहला साइन तो कॉमन आता ही आता है ना, ये वाला, ये साइन पहला हमेशा, चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो, हमेशा हम पहला साइन कॉमन लेते हैं। और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वन कॉमन लेंगे, तो माइनस से माइनस कटेगा, वन से कुछ भी नहीं होता, एक्स आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, माइनस माइनस प्लस, और वन से कुछ भी नहीं होगा इसका, तो ये फाइव एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जनाब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ रही है, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट जब कॉमन लेंगे ब्रैकेट से ब्रैकेट बचे कटेगी, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगी तो एक्स बचेगा, और फिर ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगी तो माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आइदर करूंगा, आइदर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरी बैटरी देख लूँ इसकी क्या हालात है, 9% चले चल रही है। अच्छा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 और यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो आंसर्स आ गए। अब ये जो दो आंसर्स आए, अब आप साइड बाई साइड जो है ना इन आंसर्स को इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे। इक्वेशन नंबर 3 है वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 2। तो अब मैं यहाँ पे कहूंगा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 3, यहाँ लिखूंगा पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो एक वो क्या थी, वाई इज इक्वल टू 3, फिर देख लेता हूँ, चलें भूल रहा है, 3x माइनस 1 अपॉन 2। अब याद रखिएगा 3x माइनस 1 अपॉन 2, तो 3x की जगह ये वैल्यू रखी माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी मैंने किया 3x की जगह वैल्यू रखी माइनस 1 अपॉन 2। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस 15 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 16 अपॉन 2, इट मीन्स जब इसको कट करेंगे तो ये माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। यहाँ पे जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, ये वाई की वाई वैल्यू आ प्लस गई वन 1। अच्छा अब हम जो यहाँ पेयर बनाएंगे ना, देखिए ये सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहला जो पेयर बनाएंगे इसका बनाएंगे, जब एक्स की, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, जब एक्स की वैल्यू माइनस 5 थी तो वाई की वैल्यू माइनस 8 आई थी, और जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू 1 आई थी। देखिए ना एक्स की वैल्यू 1 पुट की थी तो वाई की वैल्यू 1 आई थी, तो इनका अपना पेयर है, इनका अपना खानदान है, अपने इनका एक रिलेशनशिप है। जब एक्स की वैल्यू 1 आई थी तो वाई की वैल्यू 1 आई थी, 1 1 का पेयर बना, और जब एक्स की वैल्यू माइनस 5 थी तो वाई की वैल्यू माइनस आई थी, ये एक अलग से पेयर बना, और ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आई कि नहीं आई, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखना, आपके आगे भी जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है काम आएगा। आपने जब दो इक्वेशंस को इकट्ठे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपके कहीं कोई क्यूरी है, कुछ बात दफा पूछें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मैं जो है ना वो कर दूंगा ना, आप कह देंगे जी मुझे समझ आ गया, हाँ जी आ गया समझ, फिर जब मैं पूछूंगा ना फिर गलती नहीं होनी चाहिए।